Hello students, now we are going to discuss numericals on refraction through lens exercise 5C. Question number 1, इसमें question के हिसाब से एक candle को एक convex lens के सामने रखा गया है और हमें उसकी position पता लगानी है कि वो candle कहां पर रखी हुई है, यानी कि U पता लगाना है. और स्क्रीन पे जो इसकी इमेज बनती है वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बन रही है. जो कैंडल के यानी के ऑब्जेक्ट और जो उसकी इमेज है उसके साइड्स की लेंथ हैं 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. मींस साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट O 3 सेंटीमीटर है, साइज ऑफ द इमेज I 6 सेंटीमीटर है और V यानी के इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट यानी कैंडल को रखा गया और उसका वो डायग्राम बनाइए तो उसके थ्रू आपको आइडिया लगेगा. नाउ राइट द फॉर्मूला. आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला. उसमें वैल्यूज प्लेस करेंगे. माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 30 अपॉन यू. माइनस का साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है. यू विल गेट यू इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर. नाउ प्लेस द फॉर्मूला. 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. इसमें वैल्यूज रखिए. 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन माइनस 15. देखिए 15 को हमने माइनस 15 लिखा है, यानी यू की वैल्यू माइनस 15 और एफ प्लस में होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है. तो रिजल्ट हमारा आएगा 1 प्लस 2 अपॉन 30 मीन्स एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक कॉन्केव लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, वो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और उसकी जो इमेज बन रही है सेम साइड पर वो 10 सेंटीमीटर पे बन रही है. मीन्स यू 20 सेंटीमीटर है और वी 10 सेंटीमीटर है. तो क्वेश्चन में पूछा गया है नेचर ऑफ इमेज क्या होगी. क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है तो बनने वाली इमेज वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगी और बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस होगी. अब हमको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है जो कि नेगेटिव में आनी चाहिए. यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों नेगेटिव साइन के होंगे. तो सेकेंड पार्ट में फॉर्मूला लिखेंगे. 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. प्लेस द वैल्यूज. 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 10 माइनस 1 अपॉन माइनस 20. इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एफ इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है और एक ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखा गया है और उसकी जो इमेज बनती है वो ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है और वो इमेज एक वर्चुअल इमेज है. अगर वर्चुअल इमेज है मींस वो ऑन द सेम साइड ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी. तो हमको पता लगाना है ऑब्जेक्ट का लेंस से कितना डिस्टेंस है, यानी कि यू कितना है. तो जो वर्चुअल इमेज है उसका साइज आई इज इक्वल टू 2x, तो ऑब्जेक्ट का साइज ओ इज इक्वल टू एक्स है. तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू. प्लेस द वैल्यूज. 2x अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन यू. इस तरह से आपको वी इज इक्वल टू 2u मिल जाएगा. अब हम फॉर्मूला लिखेंगे. 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. वैल्यू प्लेस करेंगे. 1 अपॉन 25 ये प्लस में होगा और v की जगह लिखेंगे 1 अपॉन प्लस 2u माइनस 1 अपॉन प्लस u. देखिए यहाँ पर हमको u अननोन है इसलिए हमने यहाँ पे साइन नहीं लगाए हैं उसके. तो 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 2u. इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2u और u इज इक्वल टू माइनस 12.5 सेंटीमीटर. 4, इस क्वेश्चन में एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 0.12 मीटर दी हुई है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और उसकी इमेज का साइज 3 टाइम्स बनता है. तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा. तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं मैग्नीफिकेशन का. माइनस आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू. अब उसमें वैल्यूज प्लेस करिए. तो माइनस 3x अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन यू. इस तरह से आपको v इज इक्वल टू माइनस 3u मिल जाएगा. नाउ 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. अब इसमें वैल्यू रखिए. 1 अपॉन 0.12 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3u माइनस 1 अपॉन यू. डेसिमल हटाइए तो 100 अपॉन 12 इज इक्वल टू एलसीएम लीजिए 3u, तो ऊपर आ जाएगा माइनस 1 माइनस 3. इसको सॉल्व करेंगे तो 100 अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3u. इसको सॉल्व करके u की वैल्यू निकालिए. 12 इंटू माइनस 4 अपॉन 3 इंटू 100,
सॉल्व करके आ जाएगा -0.16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में एक कॉन्वेक्स लेंस को एक स्क्रीन के सामने रखा गया है और इस तरह से रखा गया है कि बताया गया है एक ऑब्जेक्ट जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे है स्क्रीन से, यानी कि 100 सेंटीमीटर पे है, और कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में है, सच डैट कि कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है स्क्रीन पे वो 75 सेंटीमीटर पे बनती है और ऑब्जेक्ट लेंस से 25 सेंटीमीटर पे होगा। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f = 1/v - 1/u, जिसके थ्रू हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो 1/f = 1/75 - 1/-25 और 1/f = 1+3/75। इसको सॉल्व करके f = 75/4 = 18.75 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ मैग्नीफिकेशन m = -v/u और m = -75/25 = -3। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक ऑब्जेक्ट को एक लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर पर रखा गया है और बोला गया है उसकी एक इमेज लेंस के सेम तरफ यानी कि ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है 60 सेंटीमीटर पे। मींस हमको u पता है 15 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस v पता है 60 सेंटीमीटर, तो सर्टेनली ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसमें एक मैग्नीफाइड इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के पीछे, क्योंकि केवल यही एक कंडीशन पॉसिबल है। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/f = 1/v - 1/u और 1/f = 1/-60 - 1/-15 u और v दोनों यहाँ नेगेटिव में लिए जाएंगे। तो 1/f = -1+4/60 और यू विल गेट 1/f = 3/60। तो फोकल लेंथ आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। नाउ मैग्नीफिकेशन = v/u, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पर हैं, तो 60/15 यानी कि +4 और ये इरेक्ट वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को 45 सेंटीमीटर पर रखा गया है और जो इसकी इमेज स्क्रीन पर बनती है वो ऑन द अदर साइड एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है जो 90 सेंटीमीटर पर बनती है, यानी कि u 45 सेंटीमीटर और v 90 सेंटीमीटर है। तो ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस होगा क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब हमें इसकी फोकल लेंथ निकालना है और मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे 1/f = 1/v - 1/u और 1/f = 1/90 - 1/-45, u की वैल्यू माइनस में होगी। तो 1/f = 3/90 मींस फोकल लेंथ आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। फॉर मैग्नीफिकेशन m = -v/u और m = -90/45 यानी कि -2 विल बी द मैग्नीफिकेशन।